तो साइबर टेक की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडर्ड लॉन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 28.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27.1 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21.59 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में साइबर टेक ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22.69 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21.71 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18.6 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 20.43%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 19.89% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 13.88% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.37 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.2 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.54 की, सितंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.43 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.78 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में साइबर टेक ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो भी बहुत ही बढ़िया ही निकल के आ रही है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।